वालेकुम, नमस्कार। मैं हूँ मुशाहिद खान और आज एक ऐसा बच्चा मेरे साथ में मेरे पास में आया है जिसकी हालत बेहद ज़्यादा नाजुक थी। इनके जो पिताजी हैं उनका देहांत हो गया है, कई साल पहले इनका देहांत हो गया। पैरों से माजूर है, दिव्यांग है, दोनों पैरों से चल नहीं सकता। हमारे एक दोस्त हैं मनीष बंसल, उन्होंने मुझे बताया था इनके बारे में, इनकी वीडियो भेजी थी कि मुशाहिद भाई एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, गरीब है। आपका नाम क्या बेटा? शिवम कश्यप। शिवम, शिवम कितने सालों से आपको ये है? मुझे तो बचपन से ही। बचपन से। और आपके पापा का देहांत कब हुआ था? 2017 में, 4 साल हो गए। 4 साल, मतलब बीमार थे या कैसे? कैंसर की बीमारी थी। अच्छा, तो बेटा अब कौन करता है घर का खर्चा? मम्मी करती है और मैं बटवे का काम करता हूँ, 1500 रुपये देते हैं। अच्छा, बटवे बनाते हैं आप। और घर में और कौन है बड़ा? बस मेरी मम्मी है, 2 बहनें हैं, शादी हो गई उनकी। मतलब आपके अलावा, आपकी मम्मी के अलावा आपके घर में कोई नहीं कमाने वाला? नहीं। तो मम्मी कितना कमा लेती है महीने में? मम्मी 5 कमा लेती है। तो आपको इस हालत में कैसे, परेशानी तो होती होगी चलने में? परेशानी तो होती है। मेरे दोस्त मनीष बंसल मेरे साथ में है, इन्होंने ही मुझे इनकी वीडियो दी थी और कहा था मुशाहिद भाई इस बच्चे को चलने में बेहद ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मैं दिखवाऊंगा अभी आपको। मनीष भाई कैसी ज़िंदगी इनकी कट रही है? मुशाहिद भाई, दरअसल मैंने अपने वहीं पे पड़ोस में जब इनको पहली बार देखा तो मैं अपनी गली के बाहर बैठा हुआ था। तो मतलब अपाहिज या जो हैंडीकैप हैं और भी तरह तरह के लोग होते हैं, लेकिन मैं देखने के बाद ही तुरंत भाई के पास गया। मैंने पूछा कहाँ पर रहते हो, कैसे हैं, तो मेरे घर से कुछ गली दूरी पर ये रहते थे और जो चलने की इनकी जो अवस्था थी वो बड़ी दयनीय अवस्था में ये चलते हैं। अगर आप, मैंने बताया भी था आपको, समस्या ये है कि घर तो इनका अपना है लेकिन वो गड्ढे में जा चुका है। पिताजी इनके हैं नहीं, 3-4 साल पहले कैंसर से उनका देहांत हो गया था। तो माताजी इनकी ट्रॉनिका सिटी में कहीं मजदूरी करती हैं, मतलब लेबर क्लास में जॉब करती हैं वो। तो बड़ी, मतलब एक तरीके से हमें लगा, तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद में, आप मेरे मित्र हैं, हम 10-12 सालों से साथ में एक दूसरे से परिचित हैं, आप इस तरह के पुण्य के काम करते रहते हैं, अक्सर आपकी वीडियोस हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो हमें लगा कि हमें आपसे बात करनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने इसकी वीडियो बना के आपको भेजी। तो मतलब इन सब चीज़ों को देखते तो हम भी अपनी तरफ से जो हमसे बन पड़ता है हम करते भी हैं और हमने आगे के लिए भी बोला है। बहुत, सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको कि आपने इनका एजुकेशन का खर्चा उठाया और फौरी तौर पे हम इनको एक ऐसी सुविधा दे सकते हैं, ट्राइसिकल दे सकते हैं कि ये कम से कम उससे अपना चल सकें और अपना कुछ कारोबार कर सकें। भविष्य में भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ छोटी सी पूंजी लगा के इनका कोई ऐसा कारोबार लगवा देंगे उस ट्राइसिकल पे कि ये गली गली घूम के कुछ बेच लें। बेटा चल के दिखाओगे बाहर आके? तो शिवम की आपने हालत देख ली, शिवम की ये हालत है। शिवम खड़ा भी नहीं हो सकते, आप सारा लेके खड़े हो? हाँ, सारा ले। तो बैठ जाओ बेटे, यहाँ बैठ जाओ आप। तो ऐसे ही चलते हो जब से? हाँ, बचपन से। हाँ। तकलीफ तो होती होगी, मतलब जो रास्ता 2 मिनट में, बारिश में भी तकलीफ होती है, पानी भर जाता है तो उससे दिक्कत होती है। अच्छा, मतलब आप पे इतने 5-6 हज़ार इकट्ठे नहीं हो पाए कि आप अपने आप रिक्शा खरीद सके? हम घर का खर्चा कैसे चलाते, मम्मी घर का खर्चा करती है। आप इसके पैर देख सकते हैं, इसके घुटने देख सकते हैं कि किस हालत में है, चल नहीं सकता। मनीष भाई अभी एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ मैं बच्चे को कि इसको एक ट्राइसिकल दे दूँ कि कम से चल पाए, और भविष्य में भी कोई ऐसी बात होगी तो आप बिल्कुल बताइएगा। शिवम चलाई आपसे पहले कभी? आपसे पहले तो चलाई नहीं, मैं तो अभी बैठा हूँ। अभी बैठो, खुश हो? हाँ। देखिए एक मासूमियत देख सकते हैं आप, खुशी देख सकते हैं इस बच्चे के चेहरे पे कि ये कितना माजूर था, कितना कमज़ोर था चलने में। और इसने बताया कि जब बरसात होती थी सबसे ज़्यादा दिक्कत इसको तब होती थी पानी में, है ना बेटा? पानी में दिक्कत होती थी। अब खुश हो आप? हाँ। चला सकते हो ना? हम पूरी कोशिश करेंगे कि
भविष्य में भी हम आपको कुछ कराएं, ऐसा काम कराएं कि आप इस पे ही ट्राइसिकल पे बैठ के अपना कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है मनीष भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, और दिल से सलाम आपको। बिल्कुल, आप जैसे समाज में जो आप जैसे लोग हैं वो बिना किसी स्वार्थ के इस तरीके से लोगों की मदद करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लोगों के लिए प्रोत्साहन की बात है। और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आपको इस तरीके से और आगे चीज़ें मिलती रहें, आप जो है आगे तरक्की करें, आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच, और सहारा बने, लोगों का सहारा बने, क्योंकि ये ऐसा अमल है, ऐसे ऐसा काम है कि जिसको करने से कभी दौलत कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती है। तो किसी बिना किसी भेदभाव के, हिंदू मुस्लिम के भेदभाव के, जो ज़रूरतमंद है उनका सहारा बने। थैंक यू वेरी मच, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ी थोड़ी चलानी सीख रहा है लेकिन इंशाल्लाह सीख जाएगा। थैंक यू वेरी मच, सपोर्ट करें लोगों की, दुआ लें।